बड़ी खबर मिल रही है बिहार के नालंदा में रेलवे स्टेशन पर भारी भरकम हंगामे की जानकारी है। दरअसल स्टेशन पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी भी हुई है। रेलवे में भर्ती पर रोक के खिलाफ आरजेडी ने बंद बुलाया था और उसके बाद स्टेशन पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटी, बेकाबू हुई, तोड़फोड़ हुई। रजनीश सिन्हा ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर मौजूद। रजनीश, इस वक्त का ताजा सूरत हाल क्या है, कैसे हालात? जी देखिए, अभी तो बहुत तकनीकी पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है सारे हंगामे को, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि तो वह बंद कॉल था और जो बड़े एब्रप्ट सा डिमांड था वहां पर छात्रों का कि रेलवे बहाली क्यों नहीं निकाल रही है, बहुत दिन से रिक्रूटमेंट रेलवे में नहीं हो रहा है, रेलवे जॉब हमें प्रोवाइड नहीं कर रही, और इसको लेकर यह हंगामा था। कई जगह ट्रेन उखाड़ दिए गए, कैश लूट लिए गए, टिकट काउंटर के साथ तोड़फोड़ किया गया, तो बहुत अजीब से आर्की की स्थिति थी। काफी देर तक तो पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे रोके, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में छात्र स्टेशन के आसपास जगह जगह तोड़फोड़ मचा रहे थे। न सिर्फ स्टेशन पर बल्कि स्टेशन के आसपास जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनको भी लोगों ने काफी ज्यादा क्षति पहुंचाया, और फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की गई है। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तीन तस्वीरें आपके सामने, बिहार के नालंदा में रेलवे स्टेशन पर भारी हंगामा, आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव हुआ जमकर। यहाँ पर आरजेडी ने बंद बुलाया था जिसके बाद पर भीड़ जुटी और भीड़ ने उत्पात मचाया। देखिए तीन तस्वीरें आपके सामने, भारी भरकम हंगामे की।